हेलो एंड वेलकम टू SPMIAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उनका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं और आप अपने सॉल्यूशन सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। SPMIAS एकेडमी के स्टूडेंट सबमिट कर सकते हैं अपने आंसर इन देयर रिस्पेक्टिव बैच व्हाट्सएप ग्रुप्स। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द कस्टोडियल टॉर्चर। क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक स्टेटमेंट के साथ जिसमें बोला जाता है कस्टोडियल टॉर्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। डिस्कस व्हाई इज कस्टोडियल टॉर्चर इज कॉमन इन इंडिया एंड व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट सच एक्ट्स। नाउ इट्स अ 15 मार्क्स क्वेश्चन, दैट मीन्स यू हैव टू आंसर इट इन 250 वर्ड्स, वन फुल A4 शीट्स बोथ साइड इंक्लूडेड प्लस वन A4 शीट विद ओनली वन साइड, और दोनों साइड आपको सभी A4 शीट्स में आपको दोनों साइड्स पर 1 इंच का मार्जिन बनाना है और टॉप में 1.5 इंच की स्पेस छोड़नी है। नाउ आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस। जब भी आपको डिस्कस करना होता है तो आपको पता है कि आपको उस चीज़ के बारे में सारी बातें बतानी है और उसके सारे ही पहलुओं पर अपना इलैबोरेट करना है। दैट मीन्स यू नीड टू इलैबोरेट ऑन ऑल इट्स एस्पेक्ट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्कस व्हाई इज कस्टोडियल टॉर्चर कॉमन इन इंडिया। तो आपको सबसे पहले बताना है कि कस्टोडियल टॉर्चर क्यों कॉमन है और उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको बताना है दैट व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट सच एक्ट्स। हाउएवर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट भी है और जहां पर बोला जा रहा है कस्टोडियल टॉर्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो जब आप आंसर करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आप यही बताएंगे कि क्यों कस्टोडियल टॉर्चर जो है दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है कस्टोडियल टॉर्चर के साथ में। आपको ज्यादा इस पर एक्सपैंड नहीं करना है, जस्ट वन पैराग्राफ विल बी मोर देन इनफ जहां पर आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है कस्टोडियल टॉर्चर के साथ। और सेकेंड पार्ट पर आप आंसर करें कि क्यों कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ्स कॉमन है, दैट मीन्स क्या प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में जिसकी वजह से इतना फ्रीक्वेंटली कस्टोडियल टॉर्चर होता है। और थर्ड पार्ट पर आप बताएंगे कि कस्टोडियल डेथ्स को कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है या कस्टोडियल टॉर्चर को कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ फ्रॉम पेपर 3 गवर्नेंस एंड द रेफरेंस न्यूज़पेपर आर 18th जून एंड 11th जुलाई। नाउ बोथ दीज न्यूज़पेपर्स वर कंटेनिंग 2 डिस्टिंक्ट न्यूज जिसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है। दो केस रिसेंटली आपने पढ़े थे, एक पढ़ा था टीटाबोर का केस आपने पढ़ा था जहां पर एक यूथ के अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर हुआ था, और एक केस आया था तमिलनाडु से जहां पर एक फादर सन डुओ जिनकी मोबाइल की शॉप थी उनके अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर का केस आया था। तो इस तरह से जब आपको इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड पता होगा तो आप इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट के साथ भी इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रांगली रिलेटिंग टू समथिंग सम फ्यू इंसिडेंट्स विच हैड हैपेंड रिसेंटली, और ये इंसिडेंट्स काफी बड़े थे सबको पता था। आप ऐसे इंसिडेंट्स के साथ में ही अपने इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है जहां पर मैंने तमिलनाडु का दिया है, आप टीटाबोरा केस के ऊपर भी अपना लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। द सेकेंड टाइप ऑफ द इंट्रोडक्शन इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी अ फैक्चुअल इंट्रोडक्शन। फैक्चुअल इंट्रोडक्शन में आई हैव गिवन यू वन फैक्ट दैट NCERB के डेटा के हिसाब से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा के हिसाब से 2017 में 100 केसेस ऑफ कस्टोडियल डेथ्स वर रजिस्टर्ड, और ये नंबर बहुत ज्यादा है इसलिए क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी अ सिग्नेटरी ऑफ कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का इंडिया मेंबर है, तब भी 2070 में 100 केस आ गए थे कस्टोडियल डेथ के। तो दिस कैन बी वन ऑफ अ फैक्ट विद विच यू कैन शो दैट हाउ वर्स इज द प्रॉब्लम ऑफ कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल टॉर्चर इन इंडिया। द सेकेंड फैक्ट कैन बी फ्रॉम द डेटा ऑफ NCERB अगेन, एंड दिस सेज दैट 2001 से 2018 के बीच में मोर देन 1700 केसेस ऑफ कस्टोडियल वायलेंस हैपेंड बट ओनली 26 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड। दिस शोज दैट इन इंडिया अगर कस्टोडियल टॉर्चर पुलिस वाले कर भी रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है और वो बच के निकल जाते हैं। सो विद दिस फैक्ट यू कैन शो कि कितनी खराब हालत है। एक और
टाइप का इंट्रोडक्शन आप यहां पर दे सकते हैं, एंड दैट इज इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन। आप कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए, आप बताइए कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में, जैसे आप उसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं। आपको सत्यजीत सर ने कस्टोडियल डेथ की एक डेफिनेशन बताई थी, मैंने उसी डेफिनेशन को मॉडिफाई करके कस्टोडियल टॉर्चर की डेफिनेशन को बना दिया है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी है इन द केस डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें उन्होंने इंटरप्रेट करा था आर्टिकल 21 को, और उन्होंने बोला था आर्टिकल 21 इंक्लूड राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर ऑल्सो, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन दी है, आप इसको भी लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। तो यू कैन सी दैट देयर आर मेनी वेज टू इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे बॉडी पर हम इस पर काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पहला सेंटेंस है, दैट इज सेइंग दैट कस्टोडियल टॉर्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी, सो यू मस्ट राइट फ्यू सेंटेंसेस टू शो दैट व्हाट इज रॉन्ग विद कस्टोडियल टॉर्चर। तो मैंने आपको बताया है जैसे कि कस्टोडियल टॉर्चर ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन होता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स पर्टिकुलरली आर्टिकल 14, 15, 21 इसका भी वायलेशन होता है, और तो और ये ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट करता है, और ये ऐसा डैमेज करता है पर्सनालिटी को उन कॉन्विक्ट्स की जिनके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर होता है, जिससे कि उनकी पर्सनालिटी फिर कभी सही नहीं हो पाती है। आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी जिसकी शायद गलती रही भी होगी, अगर उसको जेल में बंद करके पुलिस वाले मार रहे हैं तो उसके ऊपर कितना खराब उसे लगेगा, और उसके मन में ऐसी बातें रह जाएंगी, ऐसे घाव रह जाएंगे जो कभी भी हील नहीं होंगे, तो उसकी पर्सनालिटी को परमानेंट डैमेज हो जाएगा। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कस्टोडियल टॉर्चर की, जो कि अभी रिसेंटली पता चल रही है, वो ये कि कस्टोडियल टॉर्चर के नाम पर मेनी टाइम्स पुलिस ट्राई टू पनिश इवन द क्रिमिनल, दे ट्राई टू डिसाइड द केस एंड दे ट्राई टू पनिश द क्रिमिनल देन एंड देयर इटसेल्फ बाय बीटिंग हिम मर्सीलेसली। अभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठोक दो कल्चर की बात करी थी, कि अगर कोई गलत करता है तो ठोक दो उसको। दिस कल्चर इज ऑल्सो गेटिंग इट्स आइडिया फ्रॉम द फैक्ट दैट पुलिस इफ द पुलिस फाइंड समबडी टू डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दे कैन पनिश हिम देन एंड देयर। यही आइडिया होता है ठोक दो का, और यही आइडिया होता है किसी को कस्टडी में लेकर के मारने का, कि आप खुद ही उसको पनिश करने लगते हो, एंड यू नो दिस इज वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर में कुछ बातें, आप लिख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ दैट व्हाट इज रॉन्ग विद कस्टोडियल टॉर्चर। यू कैन इनोवेट विद योर ओन पॉइंट्स, अपने खुद के पॉइंट्स यहां पर लिखे, और जो कुछ भी आपको हाल फिलहाल की ऐसी घटनाएं हैं, इफ देर आर सम थिंग्स विच हैड हैपेंड, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही है कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में, दैट यू कैन ऑल्सो मैंशन। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या रीजन्स होते हैं कस्टोडियल टॉर्चर के। सबसे बड़ा रीजन जो इंडिया में है कस्टोडियल टॉर्चर का, दैट वी डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉ डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद कस्टोडियल टॉर्चर। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि कस्टोडियल टॉर्चर को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाना चाहिए, और वो सिक्योरिटी एजेंसीज, चाहे वो पुलिस हो चाहे पैरामिलिट्री एजेंसीज हो, अगर वो कस्टोडियल टॉर्चर में उनका कोई भी ऑफिशियल पाया जाता है करता हुआ, देन ही मस्ट बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड। अभी इंडिया में कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट कोई एक स्पेसिफिक क्राइम नहीं है, इवन दो हमारी CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कस्टोडियल टॉर्चर पर मेंशनड है कि अनड्यू वायलेंस नहीं होनी चाहिए, बट दैट डज नॉट अमाउंट कि अगर कोई करता है तो क्या प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कोई एक स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है जिसके अगेंस्ट हम कस्टोडियल टॉर्चर को प्रिवेंट कर पाए, और यही कारण है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये जो फैक्ट पढ़ा था कि मोर देन 1700 कस्टोडियल वायलेंस केसेस हैव बीन ब्रॉट टू लाइट बट ओनली 26 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड बिकॉज वी डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉ टू पनिश द कस्टोडियल वायलेंस केसेस। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। द सेकेंड रीजन इज दैट अवर प्रिजन सिस्टम इज वेरी ओपेक इन नेचर। एक बार जो आदमी जेल चला जाता है, और अगर वो गरीब है, इफ ही इज नॉट फ्रॉम दैट वेल बैकग्राउंड,
तो उसको पता भी नहीं होता है कैसे उसको पुलिस के अगेंस्ट या कैसे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उसको कुछ नहीं पता होता है। एज अ रिजल्ट एक बार अगर वो कस्टडी में चला जाता है या प्रिजन में चला जाता है तो ही इज एट द मर्सी ऑफ द पुलिसमैन, एंड ऑफन दीज पुलिसमैन आर एबल टू ब्रूटलाइज दैट पर्सन, जैसा तमिलनाडु के केस में हुआ था या टीटाबोरा केस में हुआ था। पुलिस वाले बहुत ही ब्रूटल होते हैं ट्रीटमेंट में, और वो अपनी पर्सनल कई बार फ्रस्ट्रेशन या उनको जो कुछ भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वो मार पीट करके लोगों के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देते हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। एक और बड़ी बात होती है कि अगर प्रिजन के सिस्टम में किसी के अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर हो भी रहा है या कस्टडी में डेथ भी हो जाती है तो उसको दिखा दिया जाता है कि उसने सुसाइड कर ली थी या हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है। सो यू नो बिकॉज देयर इज नो वे टू इंक्वायर इनटू दिस प्रॉब्लम, तो कुछ भी किसी को पता नहीं चलता है और मीडिया में भी सही में कुछ न्यूज नहीं आ पाती है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट आम जनता के बीच में कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर के कोई एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें लगता है कि अगर किसी को मारा जा रहा है, अगर कोई जेल गया है तब तो वो क्रिमिनल ही होगा, और अगर वो मारा भी जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने क्राइम करा है। दैट इज अ प्रॉब्लम दैट आई कॉल एज पब्लिक एपैथी अगेंस्ट टॉर्चरिंग क्रिमिनल्स। The third problem is that our prisons are in very poor condition. वहाँ पर overcrowding होती है और तो और इतने पुलिस भी नहीं होती है कि criminals को handle कर पाए या convicts को handle कर पाए। As a result, prisoners को manage करना problem बन जाता है, और जब उनको कुछ नहीं समझ में आता तो वो मारने लगते हैं prisoners को। अगर कुछ भी conflict हो जाती है, prisoners के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो पुलिस वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बस एक ही होता है, prisoners को जाकर के बुरी तरीके से मारने लगो। That also constitutes custodial torture. तो यहाँ पर मैं आपको कुछ practical cases के साथ बता रहा हूँ और reasons देखते हैं custodial torture के। इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट, इवन दो इंडिया इज हैज साइंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इन 1997, बट उसका रेटिफिकेशन नहीं करा है, और उसका रेटिफिकेशन नहीं करा है इसीलिए हमने टॉर्चर के अगेंस्ट कोई लॉ भी नहीं बनाया है। इंडिया में एक और बड़ी प्रॉब्लम है पुलिस रिफॉर्म्स, जिसके बारे में आप प्रकाश सिंह केस में पढ़ चुके हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में, उसको अभी भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव्स भी दिए हैं बट दीज आर ऑल्सो पेंडिंग। देन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इंडिया में है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली बिकॉज नॉट मच राइट्स हैव बीन गिवन टू देम। सो दीज आर ऑल द रीजंस ऑफ द कस्टोडियल टॉर्चर। आगे देखते हैं एंड वी विल सी दैट हाउ वी कैन प्रिवेंट द कस्टोडियल टॉर्चर। The first step we must take is that we must ratify the United Nations Convention against the custodial against torture. इसका फायदा ये होगा कि हमें इस कन्वेंशन को ratify करते टाइम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, अपने प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट द कस्टोडियल वायलेंस। जो विक्टिम्स होते हैं कस्टोडियल टॉर्चर के, उनको भी किस तरह से कॉम्पनसेशन दिया जा सके और उनके जो ग्रीवेंस हैं, उनके साथ जो गलत हुआ है उसको कैसे रिड्रेस करा जा सके, इसके मैकेनिज्म के बारे में भी हमें कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी मस्ट टेक। द सेकेंड स्टेप इज दैट हमें एक्सटेंसिवली प्रिजन रिफॉर्म भी करना है, हमें CCTV लगाना चाहिए प्रिजन्स में, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है इन द DK बासु केस, वेयर इट इज सेइंग दैट देयर मस्ट बी सरप्राइज इंस्पेक्शंस इन द प्रिजन एंड नॉट बाय द ऑफिशियल मेंबर्स, सरकार के मेंबर द्वारा नहीं या जो सरकारी अफसर हैं उनके द्वारा नहीं, बट नॉन ऑफिशियल विजिटर्स को सरप्राइज इंस्पेक्शंस करने चाहिए, जिससे हमारे जो कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस होते हैं वो भी कम होंगे। This recommendation was given by Supreme Court in DK Basu case in 2015. You will see that I am quoting lot of data from the Supreme Court cases. I know ye sab data aap aise day to day current affairs mein nahi padhte ho, but ye data aapko when you are solving or when you are writing such questions, these questions only then you come across such data. You must maintain a small inventory of such data.
आप ऐसे लिख लीजिए 15 to 20 सच केसेस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी किसी बात पर कुछ कुछ जजमेंट दिया हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स. द थर्ड स्टेप टू प्रिवेंट द कस्टोडियल टॉर्चर इज दैट पुलिस रिफॉर्म्स मस्ट बी अंडरटेकन, जैसा प्रकाश सिंह केस में बताया भी गया था. और उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था दैट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है उसका बहुत ही जल्दी उसका फॉर्मेशन होना चाहिए. पुलिस रिफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पुलिस रिफॉर्म इज विल नॉट ओनली हेल्प द केसेस ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर, इट विल रिफॉर्म द एंटायर पुलिसिंग सिस्टम इन दिस कंट्री. अभी पुलिस के उपसाद पास बहुत सारे काम होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो ओवर बर्डनड होते हैं और तो और वो अपना काम ठीक से कर भी नहीं पाते बिकॉज दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिशियंस एंड अदर सोर्सेज, जैसा आपने पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा भी है. तो उस चीज को हमें अगर प्रॉपरली एड्रेस करना है तो हमें एंटायर पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ पैचवर्क ओनली. नेक्स्ट सजेशन है दैट वी शुड गिव मोर पावर्स टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. अभी के टाइम पर जो हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, दे कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन एंड दे हैव नो पावर टू एनफोर्स देयर डिसीजंस. ये आप अपने बेसिक पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे. मोर ओवर इट ऑल्सो हैज नो पावर्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और वो स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए. जब स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करती है तो आप समझ सकते होंगे कि ये सरकारें अपने एम्प्लॉयज को और अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफिसर्स के बीच में देयर इज अ स्ट्रांग सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारा बहुत ज्यादा हो जाता है. तो वो अपने साथियों को कभी भी उनका गलतियां सामने आने नहीं देते हैं और उनको प्रोटेक्ट ही करा जाता है. और अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केस है भी तो किसी एक ऑफिसर को स्केपगोट बना दिया जाता है, उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है और उसी को सब बोल दिया जाता है, बाकी को बचा लिया जाता है. इसीलिए हम देखते हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल वायलेंस या फेक एनकाउंटर के केसेस में ओनली वन और टू आर ओनली पनिश्ड बट रेस्ट आर सेव्ड. तो दीज आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर. आगे आ जाएंगे लास्ट पार्ट में कंक्लूजन पर, बिकॉज यहां पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या करा जाना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है. आप कंक्लूजन में आप थोड़ा सा, मैंने यहां पर एक आई विल से इमोशनल कंक्लूजन दे दिया है, बट यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट दैट इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड कंक्लूजन ऑल्सो. आई हैव रिटन दैट पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटी, बट वी ऑल्सो नीड टू गार्ड द गार्जियंस. मतलब पुलिस का काम, पुलिस इज अ गार्जियन ऑफ द सोसाइटी, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट अस, बट वी ऑल्सो हैव टू गार्ड द गार्जियंस. हमारे गार्जियंस जो हैं वही कुछ गलत काम ना कर दें, जैसा कस्टोडियल टॉर्चर के केस में होता है कि हमारे जो पुलिस है वही गलत काम करने लगती है. एंड दस इफेक्टिव मेजर्स मस्ट बी टेकन इमीडिएटली टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर. आप यहां पर कुछ और भी अपने इस टाइप के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे बोला जाता है रक्षक से भक्षक. Those who are from Hindi language, they will understand this. Rakshak se bhakshak means the one who is meant to protect. What if he is preying on the people? That is called as rakshak se bhakshak ho jana. Ya fir guard the guardians wala bhi aap de sakte hain. Or you can choose any other idiom from English language. Aap uska bhi use kar sakte hain. So that's how you can write the conclusion. Now there are two practice questions in today's session. The first question is on emotional intelligence and the second question is from the Assam history, and you have to discuss the development of the growth of civil disobedience movement and Quit India movement in Assam. These are the two practice questions. This is it for today's session. Thank you.